की तुहाडे मन विच दुविधा हैगी है कि मैं यूके विदाउट आयल्स पढ़न जा सकदा हां कि नहीं, कि मैं यूके जाके अपना विदाउट आयल्स पढ़न दा सपना पूरा कर सकदा हां। सो स्वीकार, मैं अभय रामपाल एक्सेल सेटल बोर्ड तो ते आज दी इस वीडियो विच मैं तुहानू कुछ शर्तां दसांगा जो तुसी कंप्लीट करनियां ने अपने यूके स्टडी वीजा लैण वास्ते, ओ वी विदाउट आयल्स। जे तुसी यूके दा स्टडी वीजा विदाउट आयल्स लेना चाहते हो तो हानू यूनिवर्सिटियां दियां ते एम्बेसी दियां कुछ शर्तां पूरियां करनियां ने। इस वीडियो नू फॉलो करो ते ओ शर्तां नू समझण दी कोशिश करो ताकि तुहाडे यूके दे स्टडी वीजा विच कोई प्रॉब्लम ना आवे। पहली शर्त, तुहाडी 12वीं 2017 तो पहला दी नहीं होनी चाहिए है। जिन्ना स्टूडेंट्स ने इत्थे ग्रेजुएशन कीती है उन्हां दी ग्रेजुएशन 2015 तो पहला दी नहीं होनी चाहिए है। कुल मिला के 12वीं वालिया नू 3 to 4 साल का गैप एक्सेप्टेबल है ते ग्रेजुएशन वालिया नू ऑलमोस्ट 6 to 7 साल का। बाहर जाने तो पहला हर एक स्टूडेंट नू अपना कोर्स अपनी यूनिवर्सिटी उदू आ चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए है कि हाँ जी मेरे रिश्तेदार जे लंडन च है मैं लंडन च जावा, जे मेरे रिश्तेदार साउथ होल च है तो मैं साउथ होल च जावा। उन्हें जो पढ़ाई इंडिया विच कीती है उदे रिलेटेड पढ़ाई उन्हू किहड़े शहर विच मिलती पई है किहड़े यूनिवर्सिटी विच मिलती पई है। ऐदां दी काउंसलिंग सारे एजेंट नहीं कर पाते हैं, बट एक्सेल सेटल अब्रॉड तुहाडी प्रोफाइल वेख के तुहानू दसूगा कि तुसी किथे अप्लाई करो ताकि तुहाडा वीजा सक्सैस वधिया रहे ते कल नू आपां पीआर लैण वाले वी होईए। गल करिए आपां दूजी शर्त दी, तुहाडे इंग्लिश विच 12वीं विच घट्टो घट 55 to 60% होने चाहिए ने, भावें वह ICIC बोर्ड होवे, CBSE होवे या पंजाब बोर्ड होवे। जे तुहाडे एने नंबर तुसी स्कोर करदे हो तुहानू इंग्लिश दा वेवर यूनिवर्सिटी वल्लों मिल सकता है। जे किसे मेरे वीर दा वीज़ा यूके दा इंटरव्यू करके या इंग्लिश दी रिक्वायरमेंट करके रिफ्यूज होया है सानू एक बारी जरूर कॉन्टैक्ट करो या साडे दिते गए नंबर ते फोन करो ते एक्सेल सेटल अब्रॉड तुहानू तुहाडी प्रॉब्लम दा सल्यूशन जरूर देवेगी। जे तुहानू साडी आ वीडियो पसंद आई है साडे चैनल नू मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो ताकि जिन्हें मेरे वीर भैन भरा ने वो अपना विदेश जाने का सुनहरी सुपना पूरा कर सकन।